हेलो दोस्तों, आज हम आए मंडोर गार्डन और पश्चिमी राजस्थान नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का ये पहला लाइट शो होगा, 3D लाइट शो, जो कि राजस्थान सरकार ने जोधपुर मंडोर गार्डन में इसका प्रोजेक्ट चालू किया है। तो आज हम देखेंगे राजस्थान का पहला 3D शो। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि ये 3D शो राजस्थान का पहला 3D शो है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे JBL के साउंड लगे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है और ये 3D प्रोजेक्टर है। इससे जो फ्लैश लाइट आएगी, 3D जो 3D लाइट आएगी वो सामने जो आप देख रहे हैं देवल, महाराजाओं के देवल बने हुए हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट होगी और वहाँ पे आपको पूरी राजस्थान की हिस्ट्री बताई जाएगी। शाम का समय हो गया है, सूरज ढल चुका है और अब ये प्रोजेक्ट चालू होगा और मारवाड़ का जो सूरज है वो यहाँ से आपको 3D में दिखेगा। तो देखिए, इंजॉय करिए, लाइक करें, कमेंट करें। शताब्दी वो अहम समय था जब भविष्य को नया स्वरूप देने वाली शक्तियों का उदय हो रहा था। दिल्ली की गद्दी संभाली, मध्य एशिया में बाबर का जन्म हुआ और राठौड़ बुलगारव राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर नगर की स्थापना की। 1459 ईस्वी में बना मेहरानगढ़ उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों का साक्षी भी रहा और केंद्र भी। जोधपुर के आकाश में राठौर राजवंश का तेजवान सूर्य दबका, जिसका उदय मंडोर में हुआ था। मेहरानगढ़ की उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 9 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तो मैं अपने बचे हुए अवशेषों के साथ आपका स्वागत करूंगा। मैं किला हूँ मंडोर का। मैं इतना प्राचीन हूँ कि मुझे किसने बनवाया, कब बनवाया, ये किसी को भी याद नहीं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मंडोर नगर मांडव्य ऋषि की तपोभूमि था, पर इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। महाभारत काल में यहां नागवंशी ने राज किया और फिर गुप्त वंश ने इसे अपने बाहुबल से जीता। चौथी व छठी शताब्दी में हूणों का आगमन हुआ तथा परमारों ने इनके वैभव को बढ़ाया तो 7वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ के वैभव को बढ़ाया। मंडोर की भूमि से आज भी अतीत के सिक्के, मंदिर के अवशेष, तोरण द्वार, स्तंभ और उत्कृष्ट मूर्तियां प्राप्त होती रहती हैं। मंडोर संग्रहालय में प्राचीन भारत के सभी प्रतीकों को सहेज कर रखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने जीर्ण अवशेषों में अनेकों गाथाएं संभाल रखी हैं। मेरे साथ चलिए उस बीते हुए काल में जब यहाँ तलवारें खड़कती थी, रणभेरी और नगाड़े कंपायमान होते थे, वीर हुंकार भरते थे और रणबांकुरों के जय घोष से आकाश गूंज उठता था। सन 1395 ईस्वी परिहारों की शक्ति अस्त हो रही। गुजरात के सूबेदार सफर खान ने दिल्ली की कमजोर सल्तनत के चलते मंडोर और नागौर को अपने कब्जे में ले लिया। अब मेरी चार दीवारी में परिहार नहीं, तुर्क आवासी थे। जफर खान का हाकिम एबक खान मंडोर दुर्ग का किलेदार था, जो आए थे अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करना रहता था। पीड़ित किसान मंडोर के इनका परिहार के प्रधान
वीर राव भीमा गहलोत के पास मदद के लिए पहुंचे। राव हेमा जी, ये तुर्क हमसे मनमाना लगान वसूल करते हैं, आए दिन हमारी गायों को चुरा कर ले जाते हैं और अब अपने घोड़ों के लिए हाथ से लदी गाड़ियां मांग रहे हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। शक्ति पर भगवान ये उसे दिन के समय पर आजमा रहा है। भैरव जी की सौगंध, जुल्म करने के लिए अब ऐबक खान जिंदा नहीं बचेगा। जय बाबा भैरव नाथ, जय बाबा भैरव नाथ। शक्तिशाली शत्रु से लड़ने के लिए बल और बुद्धि से वार करने की योजना बनाई गई। घास की कई सौ गाड़ियां तैयार की गई और हर गाड़ी में हथियार लिए योद्धा छुप कर बैठ गए। गाड़ियां जैसे ही किले के भीतर पहुंची, क्षत्रियो ने नारा लगाया, आयो लड़ो फतेह कर दो, आयो लड़ो फतेह कर दो। इस अचानक हुए प्रहार से तुर्कों को संभलने का अवसर न मिला। वीर हेमा गहलोत, समर शूर राव चूंडा राठौर और मारवाड़ के वीरों की प्रतापी तलवारें लहराई तो शत्रुओं के सिरों के ढेर लग गए। इसी जीत की याद में आज भी मंडौर में राव महोत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष होली के दूसरे दिन निर्भीक साहसी हेमा गहलोत और सभी वीरों को याद किया जाता है और बाबा भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद से वीर विजय हुए थे। मंडौर विजय के बाद भी इंदा परिहार का मन अशांत था, क्योंकि ये नगर शत्रुओं से घिरा हुआ था। तब उन्होंने शक्तिशाली राठौड़ वंश को राज सौंपने का निश्चय किया। इंदा के मुखिया राय धवल ने अपनी पुत्री का विवाह राव चूंडा से करवाया और दहेज में मंडौर का दुर्ग दे दिया गया। राव हेमा गहलोत ने राव चूंडा का राजतिलक किया और भाटों ने मंगल गान गाया। इंदारो उपकार कमदज कदे न बिसरे, चुंडो चमरी चाड़ दी मंडोवर दाए जे। अपने कौशल और सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए राव चूंडा ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और मंडौर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। 1423 में नागौर के युद्ध में राव चूंडा वीर गति को प्राप्त हुए और उनके पुत्र कान्हा के बाद राजदंड राव रणमल ने संभाला। मारवाड़ और मेवाड़ में घनिष्ठ संबंध थे, परंतु चाटुकार मेवाड़ नरेश राणा कुंभा के कान भरने लगे। मुझे राव रणमल की नीयत ठीक नहीं लगती राणा। वो आपका राज हड़पना चाहता है। वैसे एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष से तुमका कोई मोह नहीं। एक मधुर संबंध में संशय और अविश्वास का विषय तोड़ दिया गया था। 1438 ईस्वी में राव रणमल अपने पुत्र जोधा के साथ चित्तौड़ के दुर्ग में था। रणमल को किसी षड्यंत्र का आभास हुआ और उसने बेटे जोधा को किले से बाहर भेज दिया। पिता की आज्ञा मान जोधा चित्तौड़गढ़ की तलहटी में पहुंचा। तभी एक डोम ने जोधा का ध्यान खींचा, जो एक दोहा गा रहा था। जूंडा अजमल आविया मांडू तक आग, जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग, जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग। राणा कुंभा के निर्देश पर चूंडा ने राव रणमल की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर युवा चूंडा मारवाड़ की ओर बढ़ चला, परंतु चूंडा उसका पीछा करता रहा। वह राणा कुंभा का दाऊ था और मारवाड़ का पुराना।
स्वामी भक्त नाराजों के साथ उसे जूझ रहा था। विपत्ति के हर भवन को सामने जब जोधा मंडोर पहुंचा तो उसके पास केवल 7 सैनिक बचे थे और चूंडा यहां भी आ पहुंचा। मंडोर किले का कोना कोना छान मारो। रणबल ने मेरे भाई राघव देव को मरवाया था, मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा। हुजूर, वो जांगलू प्रदेश की ओर भाग गया है, आप कहें तो उसका पीछा करें। रहने दो, वहां रेतीले टीलों में भटक कर वो खुद ही मर जाएगा। तुम राणा कुंभा के पास संदेश भिजवाओ, मंडोर पर अब हमारा राज है। पिता की निर्मम हत्या की पीड़ा और राज को देने का अपमान लिए जोधा भटक रहा था। हारो शंभू हाथ लगाए बैठे थे पर जुझारू जोधा ने आस और विश्वास नहीं खोए। 15 वर्षों तक संघर्ष और अथक प्रयास करने के बाद जोधा ने दुर्भाग्य को जीत लिया। चूंडा की मृत्यु हो चुकी थी और मंडोर को राज जोधा ने फिर से जीत लिया था। समय बदल रहा था और देश में विदेशी आक्रमणकारियों का संकट आया है। ऐसे में एक दूसरे से लड़ने के बजाय मारवाड़ और मेवाड़ ने संधि कर ली, पर दूरदर्शी राव जोधा को कोई चिंता खाई जा रही थी और उस चिंता का कारण मैं यानी मंडोर का दुर्ग था। इस सोच में डूबे हैं राव जी, अपने आसपास देखो क्या दिखता है। आकाश, जंगल, पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ ही मेरी चिंता है। कई सौ साल पहले ये काफी ऊंची थी और किले तक पहुंचना कठिन था, पर भारी वर्षा और धूल भरी आंधियों ने इनका कद घटा दिया है। अगर मारवाड़ को सुरक्षित रखना है तो मंडोर के किले पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राव जोधा की बात पीड़ादायक परंतु सत्य थी। मैं भी अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था, सो मेरे विकल्प के रूप में मेहरानगढ़ का निर्माण किया गया और ये सही फैसला था। भारत में जब मुगलों का आगमन हुआ तो राठौर राजवंश ने उनसे सीधी टक्कर ली और हार माने बिना संघर्ष करते रहे। इस सब ने मेहरानगढ़ ने भूमिका निभाई। जोधपुर का इतिहास प्रेरणादायक वीर गाथाओं से भरा हुआ है। त्याग और देशभक्ति के कीर्तिमान स्थापित करके इतिहास में अमर हो जाने वाले वीरों ने जोधपुर का सर सदा ऊंचा रखा है। महाराजा अजीत सिंह जी को उनकी सृजनात्मक ऊर्जा और निर्माणों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने देवी देवताओं की साल, अजीत बोध, मय बोध और एक थम्बा महल बनवाया एवं भेरू बावड़ी और भेरू मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह जी के भव्य देवर का निर्माण भी करवाया, जिसके विशाल स्तंभों एवं गर्भगृह का अलंकरण दर्शनीय है। सभा मंडल का दृश्य पौराणिक आख्यानों का स्पष्ट दर्शन देता है। प्रस्तरों पर उत्कीर्ण भाव भंगिमाएं शिल्प कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने मंडोर को दर्शनीय बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मंडोर बाग में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगवाए जो उद्यान की अहमियत को और अधिक सुंदरता प्रदान करते हैं। 1896 ईस्वी में महाराजा सरदार सिंह जी ने मंडोर के बाग को और संवारा। महाराजा उम्मेद सिंह जी के समय 1923 और 1947 के बीच मंडोर उद्यान को आधुनिक रूप देने हेतु कई कार्य करवाए गए, जैसे नागादेवी नहर का जीर्णोद्धार, देवलों और महलों के पास सुंदर बाग विकसित किए गए। इसके साथ ही 4 दीवारी व दोनों मुख्य द्वारों का निर्माण हुआ। राव गंगा जी ने कहा था, नाम तो गीतड़ा या भीतड़ा सुरेवे। युगों तक मनुष्य की ख्याति या तो
साहित्य सृजन से अथवा बड़े बड़े निर्माण कार्यों से रहती है। राठौड़ राजवंश अपने पराक्रम और निर्माण के लिए अमर रहेगा। मंडौर में स्थित धड़ों एवं देवरों पर बनी अद्भुत मूर्तियां शिल्प कला की नायाब मिसाल है। मारवाड़ के सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश राव मालदेव जी से लेकर महाराजा अजीत सिंह जी के देवर आज भी सुंदर नक्काशी एवं बेजोड़ वास्तुकला की छाप छोड़ते हैं। महाराजा अजीत सिंह जी के देवल का निर्माण इनके पुत्र महाराजा अभय सिंह जी ने संवत 1793 में शुरू करवाया, लेकिन इसे पूरा उनके प्रपौत्र महाराजा भीम सिंह जी ने संवत 1856 में किया। यह राजस्थान के समस्त देवलों में न केवल भव्यतम है, बल्कि अपनी कलात्मकता को सहेजे तत्कालीन शिल्प कला का विलक्षण उदाहरण है। चार भव्य द्वारों एवं चार सभा मंडपों से सज्जित यह देवल शैव धर्म की महत्वता को दर्शाता है। आजादी के पश्चात यहाँ कई विकास कार्य करवाए गए और 1968 में यहाँ के महलों में संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ जन्मे वीरों और स्वामी भक्तों की मिसाल युगों तक कायम रहेगी। जब वीरपुरी और नाग पंचमी को यहाँ विशाल जनसमूह उमड़ता है तो आज भी हमारे आत्मीय संबंध जीवंत हो उठते हैं। उनकी आंखों में उमड़े प्रेम और श्रद्धा को देखकर मन भाव विभोर उठता है। सदियों के संबंध आज भी अटूट हैं। मुझे तो समय की आंधी ने नष्ट कर दिया, पर मंडौर के देवल मंदिर छतरियों और बाग को संभाल कर रखना इस पीढ़ी का कर्तव्य है, ताकि इतिहास की धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके और देश के गौरव प्रतीक सदा बने रहे। मंडौर दुर्ग है साक्षी कर्ता गौरव का, कैसे कैसे वीर हुए थी कैसी उनकी शान।